ডেক বিনা ব্রেক ডাউনলোড টাক অ্যাপ। नमस्कार, मैं शरद कुमार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज साल का आखिरी दिन है और 2019 का विश्लेषण करते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि राजस्थान में 2019 का राजनीति का सिकंदर कौन रहा। एक ही नाम घूमता है, हनुमान बेनीवाल। हनुमान बेनीवाल के बारे में कह सकते हैं कि नाम उनका हनुमान है, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में किसी के हनुमान है तो हनुमान बेनीवाल के। एक ऐसा शख्स जो गांव से आता है, इसकी बोलचाल बिल्कुल ठेठ गांव की भाषा है, उस शख्स के सबसे ज़्यादा फॉलोअर सोशल मीडिया पर है। ये अपने आप में एक केस स्टडी है। ये दिखाता है कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से आए, अगर किसी मीडिया के मर्म को समझता है, उसकी ताकत को समझता है, तो उसको आत्मसात कर वो लोकप्रिय बन सकता है। और हनुमान बेनीवाल ने यही किया है। हनुमान बेनीवाल के फॉलोअर अगर आप सोशल मीडिया पर देखें तो आप चौंक जाएंगे। राजस्थान में उनके इर्द गिर्द भी कोई नेता नहीं है। आप हनुमान नाम से कोई शब्द डाल दीजिए, फेसबुक हो या ट्विटर हो, कहीं भी वो तूफान आंधी की तरह चलता है उनका नाम। ये एक दिखाता है कि जो जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल है, उन बच्चों में हनुमान बेनीवाल का किस तरह का क्रेज है। लेकिन ये क्रेज क्यों है? बाकी और सारे भी नेता हैं जिनके पास संसाधन ज़्यादा है, जो ज़्यादा भारी भरकर नाम वाले हैं, चाहे बीजेपी में हों या फिर कांग्रेस में हों। लेकिन एक शख्स विधानसभा चुनाव से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम का एक संगठन बनाता है, जिसमें कई सहयोगी उसके साथ आते हैं, जो चुनाव से ठीक पहले छोड़ जाते हैं, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता है, वो अकेले चुनाव में उतर जाता है और एक अपनी उपस्थिति का एहसास कराता है राजस्थान के राजनीति में। इस तरह से कराता है कि लोकसभा चुनाव आते आते अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चाहते हैं कि वो एनडीए का पार्ट बने, गठबंधन का हिस्सा बने, और बीजेपी अपना नागौर लोकसभा सीट उसके लिए छोड़ती है। ये कहानी है एक ऐसे शख्स का जो एक राजस्थान यूनिवर्सिटी के लॉ कॉलेज से एक असिस्टेंट लीडर के रूप में निकला और देखते देखते राजस्थान में एक तीसरी ताकत का नाम बन गया है, जिससे भय खाते हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के नेता। क्यों खाते हैं? देखिए, राजस्थान के राजनीति में हमेशा से ही जाटों का दबदबा रहा है। भले ही वो मुख्यमंत्री के पद तक नहीं पहुंचे, लेकिन जाट वोट बैंक एक सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है और इसी वजह से इसी को तोड़ने के लिए कांग्रेस का जो एक छत्राधिकार था जो इस जाट वोट बैंक पर, इसी को तोड़ने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने ओबीसी के तहत जाटों को आरक्षण दिया था, उसमें वो सफल भी हुए। लेकिन देखा जाए तो जिस समय जाटों के बड़े बड़े नेता हुआ करते थे, कुंभाराम आर्य थे, कमला बेनीवाल थी, उसके बाद नाथूराम मिर्धा थे, रामनिवास मिर्धा थे, रामनारायण चौधरी थे, परशुराम मदेणा थे, शीशराम ओला थे, ये एक से बढ़कर एक बड़े नेता थे। और धीरे धीरे इन सारे नेताओं का प्रभाव कम होता गया, इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद अब जाटों के लीडरशिप को लेकर एक वैक्यूम नजर आया। जाटों में कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं बना जो जिसके पीछे जाट जुड़ सकें, जिस तरह के इन नेताओं से जुड़े हुए थे। इसकी बड़ी वजह रही कि कांग्रेस में जब अशोक गहलोत की लीडरशिप सबसे बड़ी लीडरशिप के रूप में सामने आई, तो उन्होंने बाकी के सभी जातियों के नेताओं को बौना कर रखा, उसमें जाट नेता भी थे। इसी तरह से जब वसुंधरा राजे का युग शुरू हुआ बीजेपी में, उसके पहले भैरव सिंह शेखावत का युग था, तो उस समय राजपूत ज्यादा जुड़े थे, और वसुंधरा राजे का युग जब शुरू हुआ तो उस समय भी कोई भी जाट नेता उस पार्टी में एक ऐसे कद के रूप में नहीं उभर पाए जो वसुंधरा राजे के सामने खड़ा हो सके। ऐसे में हनुमान बेनीवाल बीजेपी में आए और बीजेपी में आए एक झोंके की तरह आए, लेकिन उनका जो मिजाज था, उस मिजाज के साथ वो बहुत ज़्यादा दिन तक बीजेपी में नहीं टिक पाए और आखिरकार वसुंधरा राजे जैसे कद्दावर नेता से बीजेपी के उस समय जब वो शीर्ष पर थी, लड़ झगड़ के वो बाहर निकल लिए। बाहर निकलने के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का शासन रहा, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को चैलेंज किया कि नागौर में सभा करोगे तो हम सभा में तोड़फोड़ करके दिखाएंगे, और उन्होंने किया। पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। उस समय हनुमान बेनीवाल का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा।
लेकिन हनुमान बेनीवाल आपको देखने में भले ही ठेठ देसी नेता लगे, लेकिन मैं मानता हूं कि राजस्थान में मौजूदा परिस्थिति में कोई सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट नेता है तो वो हनुमान बेनीवाल है। हनुमान बेनीवाल का दिमाग राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा सक्षम नेताओं में है। अगर व्यक्तिगत रूप से बात करें तो मौजूदा परिस्थितियों में राजस्थान में उस स्थिति को भली भांति भांपते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव में भांप लिया था कि किसी भी दल को बहुत ज्यादा बहुमत नहीं आने जा रहा है, ऐसे में हम एक तीसरी ताकत खड़ी कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा हमें तब अंदाजा हुआ जब बाड़मेर में उनकी रैली थी, उस रैली में जो भीड़ देखी हमने और उस भीड़ को हमने अपने आज तक में दस्तक में स्टोरी में दिखाया कि एक ऐसा नेता है राजस्थान में जिसकी सभा में लोग अपने संसाधनों से चलकर आए हैं, और वो जब दस्तक में स्टोरी चली उसका रिस्पांस जो हमने देखा, उसके बाद हमें लगने लगा कि इस व्यक्ति के पास एक फॉलोइंग है और खास करके यूथ जो नौजवान लड़के हैं उनमें एक जबरदस्त पकड़ है। और उस रैली के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई जो फीकी रही, उस रैली से अगर तुलना करें हनुमान बेनीवाल की रैली से, तो उस दिन के बाद हनुमान बेनीवाल का ग्राफ लगातार राजस्थान में उठता चला गया। मैं हरीश गहलोत को इतना ही कहना चाहूंगा कि हरीश, तूने तेरी माँ का दूध पिया आमने सामने, तेरा इलाज तो मैं पक्का करूंगा और थप्पड़ मुक्कों से भी करूंगा, दूसरे तरीके से भी करूंगा, अरे काम भी दिखेगा। इसके बाद बीकानेर की रैली थी हमें याद आ रहा है, और बीकानेर की रैली में हनुमान बेनीवाल का फोन आया कि हम बीकानेर में रैली कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वैसे ही कवरेज हो जैसा कि हमारे लिए आपने बाड़मेर में किया। बीकानेर की रैली के दौरान हमारे जो वहां के संवाददाता थे उनकी पिताजी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो वो जयपुर में एक अस्पताल में भर्ती थे। हमने कहा कि हमारे रिपोर्टर के पिताजी की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में भर्ती हैं, वो नहीं आ सकते हैं। उसके बाद जब दो दिन बाद हमारे जब उस संवाददाता से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल ने जो अस्पताल का अधीक्षक था और डॉक्टर था वो उसे उन्हें हमारे पिताजी से मिलने के लिए भेजा था कि किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे बताना। तो आप समझ सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल कितने सूक्ष्म स्तर पे काम करते हैं कि अगर वो रिपोर्टर वहां रैली करने जा रहे हैं और रिपोर्टर नहीं आ रहा है, उसके पिताजी बीमार हैं, तो पिताजी के पास डॉक्टरों को भेजा और हालचाल लेते रहे। तो ये एक तरीका मैं बता रहा हूँ हनुमान बेनीवाल का कि क्यों लोग पसंद कर रहे हैं, खास करके नौजवान हनुमान बेनीवाल के को। जब आप उनके घर पर जाते हैं तो देखते हैं कि ऐसी भीड़ रहती है नौजवानों की, और वो सब एक बार हनुमान बेनीवाल कुछ कह दें तो वो बिल्कुल सिर झुकाकर मान लेते हैं। जब वो पार्टी लॉन्च कर रहे थे और बोतल अपना निशान रखा था, एक अजीब सा दृश्य था कि पूरे के पूरे मैदान में जो नौजवान थे वो बोतल उछाल रहे थे। वो ऐसे दृश्य राजनीति में कम देखने को मिलता है। हनुमान बेनीवाल की एक और बात है कि भीड़ उनके लिए एक संजीवनी का काम करती है। जैसे ही भीड़ देखते हैं वो सब कुछ अपनी सुरक्षा के लिए भी खतरा मोल लेते हैं। हमें याद है विधानसभा चुनाव में उनका फोन आया एक दिन कि मेरे साथ बीजेपी और कांग्रेस साजिश कर रही है और हमारा जो हेलीकॉप्टर है उसका पायलट कह रहा है कि हम आपको नहीं ले जाएंगे सभा में। जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि पायलट बोल रहा था कि ये बहुत गाली गलौज करते हैं। आज हमने पायलट से पूछा कि क्यों करते हैं, तो कहते हैं जहां भीड़ देखते हैं कहते हैं वहीं उतार दो। ऐसे थोड़े ही होता है कि जहां भीड़ देखे वहीं उतार दो, उतारने के लिए जगह भी चाहिए होती है, और फिर वो झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हम लोगों ने तय किया है कि इनके साथ नहीं जाएंगे। फिर बाद में पायलटों को पता चला कि ये दिल के नर्म आदमी है, जुबान के थोड़े कड़वे हैं, तो पायलट सब मान गए, उनको उनकी चुनावी सभा में उनको ले गए। इसी तरह से देखा जाए तो एक और खासियत हमने देखी है कि हनुमान बेनीवाल लालची नहीं है। बाकी अगर राजस्थान के नेताओं को हम देखें तो मंत्री पद जैसा पद बड़ा होता है और वो लालच में आ जाते हैं, लेकिन हनुमान बेनीवाल को चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर अशोक गहलोत हो, अशोक गहलोत ने खुलेआम लोकसभा चुनाव से पहले कैबिनेट पोस्ट देने का ऑफर दिया था, लेकिन हनुमान बेनीवाल जैसा मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से बहुत ही परिपक्व नेता हैं, उन्होंने मंत्री पद को छोड़ा और
लोकसभा का टिकट लिया और चुनाव जीत कर गए। जैसा मुख्यमंत्री जी ने कहा था, कैबिनेट मिनिस्टर का प्रस्ताव उनकी तरफ से आया, दिल्ली से भी बात हुई, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी टेलीफोन से बात की, वेणुगोपाल जी ने भी करी। मैंने कहा अब गठबंधन टूटेगा, मुझे मिनिस्ट्री नहीं चाहिए। हनुमान बेनीवाल मान सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, जिद्दी हूँ, जीत करता हूँ, पूरी करता हूँ। और अब दिल्ली में जाकर संसद में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं, राजस्थान के जो मुद्दे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे हैं, वो लोकसभा में उठाते हैं और लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं कि राजस्थान की नुमाइंदगी मैं करता हूं लोकसभा में, बाकी बीजेपी और कांग्रेस के नेता नहीं करते हैं। यानी उन्होंने मंत्री पद छोड़कर कुछ दूसरा लक्ष्य चुना है। और जिस तरह से पंचायत चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि मैं किसी पार्टी से गठबंधन नहीं करूंगा और अपनी पार्टी को खड़ा करूंगा, तो उनके मन में कहीं है कि अगर बीजेपी की लोकप्रियता कम होती है, कांग्रेस की लोकप्रियता घट रही है, तो हम एक तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में खड़े हो सकते हैं। और यही वजह है कि हनुमान बेनीवाल तीसरे मोर्चे को लेकर काम कर रहे हैं। आप जब उनके घर में जाते हैं, नागौर स्थित उनके घर पर जब हम गए, तो एक उच्च मध्य वर्गीय घर भी नहीं कह सकेंगे। एक सांसद है, भाई विधायक है, पिताजी विधायक रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं वहां से, लेकिन आप उनके घर में जाएं तो निम्न मध्यवर्गीय परिवार का घर दिखता है। आपको बेडरूम में जाएं तो लगता है कोई आम आदमी, एक साधारण शिक्षक का घर जैसा हो, उस तरह का घर है। तो जब कार्यकर्ता वहां जाते हैं और देखते हैं कि हमारा नेता कैसे जीता है, कैसे रहता है, तो खुद ब खुद उस नेता को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात है कि आधी रात को भी अगर हनुमान बेनीवाल को आप फोन करें तो वो फोन उठाते हैं, ना उठाएं तो पलट कर आता है। और राजस्थान के किसी कोने में किसी काम के लिए कोई कार्यकर्ता कह दे, वो कभी ना नहीं कहते हैं, ये भी एक खासियत है। दूसरी बात ये देखने में नजर आई है कि जैसे कि कोई अवैध बिजली का उपयोग कर रहा है, बिजली चोरी कर रहा है, या फिर कोई बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहा है, ऐसी चीजें जो गाँव में आम आपको देखने को मिलती है और पुलिस ऐसे लोगों को पकड़ के ले जाती है, तो उसको छुड़ाने के लिए वो सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। कई बार वो कहते हुए मिल जाते हैं कि चाहे बीजेपी के नेताओं के बारे में कहते हैं, वो फला नेता से आपके संबंध हैं क्या, कांग्रेस के फला नेता से आपके संबंध हैं क्या, अगर संबंध हो तो बताना, हमारे दो चार छोरे जो हैं वो इधर उधर गलत काम कर लेते हैं, उनको छुड़ाने में मदद आ जाएगी, दो चार केस उन पे जो लग जाते हैं उन केस को हटाने में हमें मदद मिल जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि इन मुद्दों को लेकर भी वो लोगों में काम करते हैं कि छोटी मोटी गलतियां जो गांव में आम होती हैं, उन गलतियों में जो फंस जाता है उसे निकालने के लिए भी काम करते हैं। फिर वो व्यक्ति एक ब्रांड एम्बेसडर की तरह उनके लिए काम करता है, जहां भी जाता है हनुमान बेनीवाल का नाम लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हनुमान बेनीवाल भले ही ठेठ गांव के देसी अंदाज में राजनीति करते हैं, लेकिन बेहद नपे तुले अंदाज में और परिपक्व राजनेता के रूप में संचार माध्यमों के जो नए तरीके हैं उनको उपयोग में लेकर राजस्थान में एक नई ताकत के रूप में खड़ा होते दिख रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल के बारे में हमने आपको इसलिए बताया कि 2019 के अगर राजनीतिक हलचल को देखें तो सबसे चमकता हुआ सितारा राजस्थान का हनुमान बेनीवाल को ही आप कह सकते हैं। नमस्कार।